आपको भी लगेगा कि स्ट्रॉन्ग सही होगा सर। उसको बोलता है सर, उसको टीडी वाले में घुमाना है। ऐसे घूमने वाला था उसको देखना, घुमा कर बेटा क्या दिक्कत आ रही है। ये इसी पे चाहिए ना, ये बन गया ठीक। यहाँ से इसके अंदर स्ट्रोक में से डॉट डाल लिए, ये करना है सर। इसके ऊपर घुमाने का चौर है, अच्छा वो भी घूम जाएगा, क्या दिक्कत है। इसको सेंटर में, सेंटर में रखा उसका, ये आगे सेंटर में ठीक है। एक हेडिंग बना लिया आपने, ऐसे ये घुमाना है ना इसके साथ, ऐसे तो घूम जाएगा सर। हाँ जब इसको 3D स्पेयर करके ऊपर डाल देते ऐसा कहने का है, जो ये बेयरिंग बनी है उसको 3D में जब कन्वर्ट कर देंगे तो वो 3D में भी वैसा घूमना चाहिए। बनाना क्या चाह रहा है प्रोजेक्ट फाइल है, क्या बनाना तुम ये बताओ। उसके जो रिंग है ना उसके बस डॉट है ना, ऐसा पे घुमा क्यों ये घुमाने आपको बस, ये सभी घूम जाएगा। ये ऐसे बनेगा ना, देखिए तो घुमाना है ये सर, इस पे घूम रहा है। हाँ जब वो थ्री डी में घुमा इस पे घूमेगा, इसको सेलेक्ट करके रोटेशन दे देते हैं, मतलब ये आ गया सेंटर इसका यहाँ पर, और ये आ गया इसका सेंटर यहाँ पर। अरे क्या घूम गया क्या, ये आ गया यहाँ पर, ये इसका सेंटर आ गया। अब इसको ऊपर सिलेक्ट किया, ये वाला शेप इसका सेंटर पे उठा, यहाँ रखते हैं यहाँ, ये आ गया यहाँ आ गया। अब इसको रोटेशन घुमाया तो इसके अराउंड ही घूमेगा ठीक। तो इसको भी यहाँ से अपन ने लगाया रोटेशन, यहाँ पर आए और इसको घुमा दिया टू डाउन थ्री डाउन, ये आ गया, ये ऐसे घूमने लगा ठीक है। आप क्या करना है, इसको उठाओ, इसको उठाओ, दोनों को प्री कंपोज कर लो ऐसे और डाल दो इसके ऊपर बेसिक 3D ऐसे और घुमा दो इसको ऐसे, हो गया ना, बस टेंशन नहीं लेनी। अब बताओ सर, ये पूछ रहा था ना बनाना क्या पहले होगा, आप बताओ नेक्स्ट बताओ सर। ये जो ऐसे एरो कैसे आ रहे आपसे तो उम्मीद नहीं थी ऐसी, कम से कम प्रैक्टिस नहीं है। देखो ये बनाया यहाँ पर, ये आया यहाँ पर, ये आया यहाँ पर, बन गया इसको किया बड़ा ऐसे बन गया ठीक। थोड़ा दबा देते ऐसे ठीक है, ऐसे यहाँ सेंटर पर उठा के यहाँ पर पोजीशन आए, पोजीशन पे की लगाया, आगे गए इसको और यहाँ से लेके यहाँ चला दिया ऐसे, ऐसे इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा दबाया और ये आ गया ऐसे ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, यहाँ पर गए ग्राफ राइटर में, और ग्राफ राइटर में जाके इसकी एडिट ग्राफ, और यहाँ पे जाके हमने इसके ऊपर लगा दिया
बना दिया है ऐसे। ये आ गया यार, इसको उठाया यार रख दिया, तो ये आ गया कुछ ऐसे। यस डर नहीं आता, इसको उठाओ प्री कंपोज कर लो, प्री कंपोज ओके करो, ओके करो। यहाँ पर आओ, यहाँ पर डाल दो आप एक्को, ये आ गया। यहाँ पर आओ एक्को, नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाओ 10, 5, 8 जो भी चाहिए हमको, हम चाहिए 8 चाहिए, एंटर किया 8 पर छोटा मैक्सिमम करो, ये कुछ ऐसा आ गया ठीक है। यस इसको उठाओ, डी के कम करो इसका, और ये आ गया ऐसे, ये बन गया ऐसे ना। दूसरा था यहाँ से हटाओ, यहाँ पर आप वापस आओ, यहाँ पर आप वापस आओ, एक को हटाओ ऐसे, डबल क्लिक करो खोलो, ये आ गया यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है ठीक है। यहाँ पर आओ और यहाँ शेप पे जाओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिपीटर लगाया, बता सकता रिपीटर दे सकता रिपीटर, ओके चलो कोई बात, रिपीटर बन गया। नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए हमने कहा 5 चाहिए, 5 कॉपी बन गई। तो ये ऐसे आपके पास यहाँ तक बन गई ठीक है। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आएगा एक रिपीटर में स्टार्ट ऑपेसिटी और एंड ऑपेसिटी, हमने इसको एंड ऑपेसिटी को कम कर दिया, कुछ ऐसा आ गया क्लियर है, ऐसे भी बन जाएगा ऐसा चाहिए तो ठीक, और ऐसा भी नहीं चाहिए तो रिपीटर ऑफ कर देते हैं, ये आ गया आपके पास एक ऐसे कुछ बन गया ठीक है। इसका कॉपी करते हैं डुप्लीकेट, एक और कॉपी करते हैं, एक और कॉपी करते हैं, एक और कॉपी करते हैं, आ गया। और इसको इसका लेते हैं, इसको यहाँ, 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 आ गया यस, ये आ गया, ये कुछ ऐसे आ गया ठीक है। ये भी तरीका है, तीनों में से जो यूज करना हो वो यूज कर सकते हो, सबको सेलेक्ट करो, प्री कंपोज कर लो, ऑलरेडी है, अच्छा अंदर ही है पर ठीक, ये आ गया। यहाँ पर आओ, रेक्टेंगल में आओ, मास्क बना लो, कटा वो चाहिए ना बस, ये तो अच्छा आ गया, चलो आ गया डन, यस आ जाएगा यस। और बता बनाया था नहीं, उस दिन के बाद से पीछे किसी बनाया, कौन अच्छा नहीं लग रहा है, बिहार जाइएगा ना वापस, नहीं रहेगा, नहीं रहिएगा तो जॉब करिएगा ना फिर, कैसे करिएगा ऐसे, कैसे हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा ना, जब खाइएगा नहीं तो कैसे पाइएगा, जो कैसे बताइए, नहीं सर ये वाला पेंट टू सर, हाँ मेहनत करना पड़ेगी, और क्या हुआ समझ रहा चीज को, अब बोला सर उसके लिए भी कोई चीज वो बता दो, हाँ जी तो क्या जैसे अभी 3-4 डिजाइन बना के फिर कंप्लीट करो, नहीं क्यों करना है, क्या करना है, करते बेटा यहाँ कॉम तो बनी है ना सबकी, उसको उठा के यहाँ पे अलग रख दे, यहाँ पे ऐसे करके धीरे धीरे बना हुआ है, इसको अपन ने प्री कम्पोज कर लिया ठीक है, ये आ गया प्री कम्पोज, इसको उठा के रख देना ऐसे करके, पीछे रह रही
ठीक क्यों रहेगी पीछे जब पूरा टाइम रखेगा तो ना, अगर फ्री काम के अंदर है ठीक और नहीं रखी रहेगी ना, देखा कर और पूछ रहा किसी को नहीं। हाँ ऐसा आगे बढ़ते हैं। आपको भी नहीं पूछा बेटा, कुछ बनाया कुछ आज? कोई कोई चल रही है? हाँ दिखा भाई। कुछ और कराए मतलब क्या करा, पता वही करा दो। कुछ और बनाया कुछ और कराओ करा। ये तो पूछा क्या बनाओ बता, पहले क्या बनाओ वही बना दो। आज तो स्कूल नहीं गई, उसको पहले उसको पूछ लो कौन सा भाई? अरे वाह क्या बात है, वो भी है। देख के बनाया कैसे? अपने आप बनाया? अरे वाह काम तो सही करती है, जॉब तो मिल जाएगी, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी बस। ये सबके चक्के जैसे क्यों है, देख के बनाया क्या कैसे सबने? आपके जैसे किसी और ने भी बनाया था? बता मुझे दोबारा दिखा दो। मैं इसके जैसा भी किसी बार बनाया था। किसने काम उठाया भाई? सही बन रहा है, अच्छा लग रहा है, अपनी काम सही करती है, थोड़ी मेहनत और करना पड़ेगा, फिर से आ रही हूँ। और बस कौन? अरे नया पढ़ना है आज, बोर हो गया वो, कह रहा नया पढ़ा आज, नया पढ़ा आज ही। पूछो लेट आओगे तो पीछे बैठोगे मेरे साथ, यही होगा दिक्कत आपके साथ। टाइम पे आओगे तो आगे बैठने को मिलेगा। इनविटेशन में क्या करना है? गेट ओपन करते हैं, अभी करते हैं। कहाँ पर? ये वाले बेटा अलग अलग रख देना, टाइप इसको। बस वही तो कह रहा हूँ मैं, कुछ क्या कह रहा हूँ, ये कौन सा वाला है? ये सर्कल है, सड़क आना चाहिए ना, उसको ना के पीछे उतरे। ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे तो स्विंग कर देगा, उठा के रखना है उसको। ये तो स्विंग हो गया था, यहाँ से कहीं जाना जब भी तो स्विंग हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, खाली है। अब यहाँ के वास्ते अपने आप बनता हुआ है पूरा, क्योंकि वो स्विंग हो गया। स्विंग नहीं करना है इसको, ऐसे रखना है, आगे पीछे करना है इसको। बनता हुआ ना यहाँ से, यही सारा बनता हुआ। अगर यहाँ से खिसका लोगे आप तो स्विंग हो जाएगा, आप देखो बना हुआ आएगा आया यहाँ के पास से, इतना आप समझ गए। ये हाँ पूछो क्या कुछ किया, गेट खोल गए कर तो रही है कम से कम। वो करो बस, इतना भी दिलो के तो के मत मारो। कौन सा गेट खुलवाया बताओ? हॉरर गेट कुड़ी का भी ले सकते हो आप। है मैंने बनाया था एक बार ऐसा गेट का सीन, वो वाला में सर कर रहे, क्या करते रहे?
उसमें गया मैं और वहां पर अंदर एंट्री करी मैंने तो मैं पसीना आ रहा था बहुत करी अभी मैं बट मैं बिल्कुल पसीना में हर मुंह हो रहा था बिल्कुल मेरा मैं जैसे अंदर होके थोड़ी बहुत तेज अगर हुआ पसीना था तो सूखा नहीं हुआ गर्मी थोड़ी ज्यादा लगती है एक सरदार जी थे वो बगल में उनकी फैमिली के साथ आए थे वो रुक गए एकदम से देख पसीना आ रहा था लोग इसमें भी हमारे कम घर में जाओ लगती तो सब लोग ऐसे और रैगर देख के अपन चलते हैं यहाँ पर और ये आ गया है निकल के बाहर गेट अपना और छोटे रास्ता निकल आ गया यहाँ पर और अपने इसको काट लिया यहाँ से ऐसे ये गेट अलग हो गया ठीक है और ये प्लग अलग हो गया हमारे पास थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेते हैं ये वाला पार्ट हटा देते हैं समझे लगे सेव कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे गेट के नाम नाम कोई और है आप लोग जाए बच्चे हैं उन सब ने गेट के नाम सेव किया है हमें भी गेट के नाम सेव कर रहे हैं ऐसे करो अच्छा अब यहाँ पर आएगा तो यहाँ देखो अब क्या ऑप्शन आएगा एडिटेबल लेयर स्टैक और यहाँ आएगा कंपोजिशन तो आपको ना यहाँ कंपोजिशन चाहिए दोनों लेयर अलग अलग चाहिए मुझे और एडिटेबल लेयर रखना है जब ओके करेंगे यहाँ पर आ जाएगा ये गेट इसको उठा के आपको यहाँ रख लिया ये आ गया स्केल किया आपने यहाँ रख लिया ऐसे ये गेट आपका आ गया क्लियर है यहाँ तक ठीक है अब डबल क्लिक करोगे आप ये खुल जाएगा दोनों देखो ये लेयर अलग आ जाएंगे ये लेयर अलग होगी ये लेयर अलग ठीक है अब हमें क्या करना है ये वाली जो लेयर है इसको घुमाना है ना तो बाई प्रेस करना है सेंटर पे इसको उठा के रख लेते हैं यहाँ ऐसे आ गए यहाँ पर यस इसके बाद आपको यहाँ देखो ये निशान दिख रहा है 3D लेयर का इसके नीचे बॉक्स जो है 3D वाला वो ऑन करना है बस जैसे आप इसको ऑन करोगे देखो आपके पास एक्स वाई जी आ गए तीन यस ठीक है अब आप यहाँ रोटेशन पे आओ तो ये एक्स है ऐसे घूमेगा तो 3D हो रहा है ठीक है ये Z है ऐसे घूमेगा और ये आपके पास Y है ऐसे घूमेगा आ गया ठीक तो यहाँ पर गेट खुल गया अब ये गेट बंद था ऐसे मैं की लगाया आगे गए और इसको पीछे की तरफ एक बार खोल दिया थोड़ा सा आ गया है और वापस किया और थोड़ा सा आ गया है और पीछे गया और थोड़ा सा आ गया है और आ गया है फॉरन गेट फॉरन गेट आप इसको सही होगा देखो इसको सिलेक्ट करके खींच देंगे दोबारा आ गया थोड़ा सा और खींचेंगे इसको सब डाल आपका काम है ना आ गया यस सर बन जाएगा इसी का पूरा लगा लो यार दो गेट खुल जाएंगे ठीक है नीचे इसके कब्रिस्तान लगा दो गेट को यहाँ रख के यहाँ पर आओ उसको ऐसे रखो
ऐसे प्रॉपर, ये देख ये आ गया ठीक। और इसके पीछे रख दो एक इमेज, ऐसे आ जाएगा प्रॉपर, अच्छा लगेगा देखने ठीक है। यस सर। और बता भाई, बस बस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इट कोई नहीं, तो आज आधे बन पाएगा जो बना रहे हैं टाइम का नहीं काम जाता है। सबसे पहले काम है अपन को एक ढूंढना है फोटोग्राफ अंडर वाटर की, और उस फोटोग्राफ को एक अंडर वाटर ले लिया उन्होंने, इसमें जितना अच्छा फोटोग्राफ और ढूंढने में टाइम वेस्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा बनेगा। ठीक, फोटोग्राफ का रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी उसकी तब वो ज्यादा अच्छा बनेगा आपके पास, और कुछ ऐसा खेल है मतलब ऐसा कुछ सीन होगा तो वो और ज्यादा अच्छा बनेगा। दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो भी आप चाहो उसको आप यूज कर सकते हो। अच्छा बनाना है तो आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करना पड़ेगी, और काम चलाओ बनाना है कि बस ठीक है बना दिया क्लास का प्रोजेक्ट था तो फिर कुछ नहीं है, आराम से होता है। ऐसा कुछ सीन हो गया, लाइटिंग आइटिंग रेजेस आ रही होगी तो अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ लोग यहाँ से लाइट आएगी पीछे की तरफ से और ज्यादा अच्छा लगेगा। कोरल वाला भी ले सकते हो ऐसे आप, वो भी अच्छा लगेगा ठीक है थोड़ा सीन, और इसको हम ले सकते हैं यहाँ वाला थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए कोई और सीन देख लेते हैं। और ये भी एक कुछ ठीक लग रहा है, छोटा है साइज, ये है वही सीन है 3D वाला है, छोटा है पर ठीक है चल जाए, देख लेते हैं कैसा आता है नहीं है। ये पानी नहीं है, ये पानी के अंदर ही चल के पीछे का पीछे से उधर पानी के अंदर ही चले, पानी के अंदर ही है। अरे यार क्या चीज कर रहे हैं, और मैं शिफ्ट कर लेंगे आप ये अच्छा है। तो इसको ले आते हैं फोटोशॉप में और थोड़ा सा इस पर काम कर लेते हैं, हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, और अच्छे से नहीं निकलेगा पर कुछ तो हो ही जाएगा।
कुछ ऐसा निकाल लिया, टफ है, बहुत अच्छा नहीं किया अभी हमने कटिंग, मतलब जब आप करोगे तो आप अच्छे से करना तो ज्यादा अच्छा आपको आउटपुट निकलेगा, ठीक है। कुछ ऐसा आ गया, इसको उठा के अपन सेव कर देते हैं, और ये नेक्स्ट ऑफ में इसको हमने के नाम से खत्म उसका काम। और इसको लिया टेबल चाहिए लिया रहा है, ये आ गया, अपन स्क्रीन करते हैं और कंट्रोल एप से ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, और क्लिक करते हैं यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका टॉप हो गया और ये आपका एक बॉटम हो गया, राइट। यस, इसको थोड़ा सा हमने स्केल किया लिटिल बिट ऐसे, इस वाले को भी थोड़ा सा स्केल किया लिटिल बिट ऐसे, आ गया यहाँ तक, यहाँ पर रखा इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन दोनों पे की लगाते हैं, 10 सेकंड पे आते हैं, ये वाला नीचे वाला थोड़ा सा स्लो और ऊपर वाला थोड़ा सा फास्ट, तो कुछ ऐसा सीन मिल जाएगा, थ्री वाली फील आ गई, ठीक। 10 सेकंड तक ही चाहिए, यहाँ पर ट्रिम कर देता हूँ उसको, भी ट्रिम कर देता हूँ, कुछ ऐसा बन गया। यस, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ पर आते हैं बाहर मेन पॉइंट पे, 10 सेकंड ही चाहिए हमको, यहाँ पर भी ट्रिम कर दिया, यहाँ के कुछ ऐसा, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है मुझे, इसको पानी जैसा बनाने के लिए तो इसमें बेस डालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। कंट्रोल वाई करते हैं, एक न्यू सॉलिड लेते हैं और इसके ऊपर डालते हैं हम फ्रैक्टल वाइज, ठीक है। फ्रैक्टल पहले भी यूज किया था हमने, यस। फ्रैक्टल में एवोल्यूशन है, क्लिक करते हैं यहाँ पर आते हैं, 3 राउंड इसको चला देते हैं, ठीक है। ऐसे चले लगेगा, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ट्रांसफॉर्म पे चलते हैं, ट्रांसफॉर्म के अंदर स्केलिंग है आपके पास, यूनिफॉर्म स्केलिंग, जिससे क्या होगा ये पूरा एक डिक्रीज होता है, हम इसको ऑन करते हैं, आपके पास यहाँ पर हाइट ऑफ इट आ जाएगी, मैं इसको बढ़ाया यहाँ पर, हाइट किया कम, क्योंकि जैसा हो गया, यहाँ तक क्लियर। यस सर, फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं, ऑफसेट टर्बुलेंस है, ऑफसेट टर्बुलेंस क्या करते हैं, इसको चलाने का होता है, आपको उसी वाले एरिए में घूमेगा वो, हमने क्या किया ऑफसेट टर्बुलेंस यहाँ रखा, फर्स्ट फ्रेम पे की लगाया, लास्ट की फ्रेम पे गए, उसको हम ऐसे डायगोनल नीचे ले आए, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आता है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद इसको हमें राइट क्लिक करना है, प्री कंपोज करना है, और यहाँ पर इसका नाम दे देना है, इनमें मूव रिलेटिव के साथ, ओके किया, इसको बंद कर देना है, इसका काम खत्म, क्लियर हुआ। यहाँ तक एक फ्रैक्टल वाइज डाला, की लगाया एवोल्यूशन पे, स्केलिंग को मेंटेन किया वहां से, और ऑफसेट एवरेज पे की रहा है, बन गया वो, उसको उठा के वहां पे ले आए, रिकम्पोज किया और बंद कर, ठीक। अब जो हमने मैप बनाया है, वो मैप इसलिए बनाया है कि उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इमेज को डिस्प्लेस कर पाए, यानी कि इसके अंदर वो वाला मूवमेंट दे पाए, ठीक है। यहाँ तक मैं, अब हमने लिया फिर एक ये जो इमेज है उसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पर लिया आपने एक डिस्प्लेसमेंट मैप, क्या लिया उठा के डाला आपने इसके ऊपर ऐसे। डिस्प्लेसमेंट मैप की कुछ प्रॉपर्टी है आपके पास, देखो डिस्प्लेसमेंट मैप लेयर, अब वो पूछ रहा है कि इस इमेज को डिस्प्लेस करना है किसके अकॉर्डिंग, राइट। तो हम क्या बोलते हैं उसको, एक हमने मैप बना रखा है जिसके अकॉर्डिंग इस इमेज को डिस्प्लेस करना है, तो हमें यहाँ मैप देना है, हमने मैप दे दिया, यहाँ तक यस। अब वो पूछ रहा है, यहाँ पर जाता हूँ नीचे सबसे नीचे मैंने, डिस्प्लेसमेंट मैप बिहेवियर, उसका काम कहाँ पर दिखाना है आपको, सेंटर मैप में या पूरी इमेज में स्ट्रेच टू फिट या टाइलिंग में छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के, तो हमें चाहिए स्ट्रेच मैप टू फिट, पूरी इमेज पे जाना, हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये भी आ गया,
अब देखो मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ लगा यस पानी वाले पेड़ ना भाई, सर। ठीक है। अब कितना मूवमेंट चाहिए वो आपके पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो काम करेगी। किसके अकॉर्डिंग चाहिए? यूज फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ आपका राइट चैनल और यूज फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ आपका ग्रीन चैनल। तो हम इनको क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे लुमिनस करेंगे, इसको भी जाएंगे लुमिनस करेंगे। अब ये लुमिनस क्यों किया बता पाएंगे भाई? फोटोशॉप में एक टर्म पढ़ी होगी आपने शायद, लुमिनस वैल्यू और अल्फा, पढ़ा अल्फा क्या होता है? ये क्या आपका ये अल्फा है ना? ठीक है, अरे यार सॉफ्टवेयर क्या डाल दिया मेरा आ रहा था फोटोशॉप में काम करने के लिए। अरे तो कमांड कर लो मैंने किस तरह स्क्रीनशॉट वाला सॉफ्टवेयर डाल दिया ना उसमें, मुझे याद भी नहीं आती चीजें यहाँ से कहाँ से। ठीक है, ये ब्लैक वाइट इमेज है ना, ठीक है। इसमें क्या है, ल्यूमिनेंस वैल्यू है, मतलब इसमें कलर जो है आपका ब्लैक से चालू हो रहा है व्हाइट की तरफ जा रहे हैं, सारे नहीं चल रहे ना इसके अंदर, व्हाइट भी है ब्लैक भी है ग्रे भी है उससे कम ग्रे भी है सारी चीजें, तो वो है आपके पास ल्यूमिनेंस वैल्यू। यहाँ से ये यहाँ पर स्टार्ट तो जीरो है और यहाँ आ गए आप 255 हो गए, ये लुमिनेंस वैल्यू ठीक है। और ब्लैक है या वाइट है ये अल्फा है, या तो लाइट बिल्कुल ऑफ है या ऑन है, ऑफ है ब्लैक है, ऑन है वाइट है अल्फा है, ठीक है। ब्लैक का मतलब ट्रांसपेरेंट है, व्हाइट का मतलब ओपेक है, यहाँ का क्लियर हुआ? यस। मगर लाइट में ट्रमर लग गया आपके पास कि आप कम भी कर सकते हो ज्यादा भी कर सकते हो, तो वो भी ल्यूमिनेंस वैल्यू आपके पास, व्हाइट भी है ग्रे भी है ब्लैक भी है हल्का ग्रे भी है डार्क ग्रे भी है डार्क लाइट व्हाइट भी है और डार्क आपके पास ब्लैक भी है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो जो हम लेके आए यहाँ पर उसमें हमने जो मैप बनाया था उसके अंदर क्या था, ल्यूमिनेंस था ना, ब्लैक टू व्हाइट सारे शेड्स थे वहां पर, इसलिए हमने यहाँ पर ल्यूमिनेंस लगाया। क्लियर हुआ? यस सर। समझ में आ गया? यस। अब ल्यूमिनेंस सब लगाया हमने तो यहाँ पर अब आ गया आपके पास मैक्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और मैक्स आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके अंदर दो हो रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हमने यहाँ से घुमाया देखो हॉरिजॉन्टल से तो ये क्या होगा यहाँ पे घूमेगा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ठीक है, यहाँ घुमाया तो यहाँ से ज्यादा हो जाएगा, हो गया। डिफॉल्ट वैल्यू कितनी लगी है 5.5, ऐसे देखो। अरे अगर मैं इस 5 को बढ़ा के ऐसे कर देता हूँ तो ये नदी के ऊपर वाला पानी बन जाएगा, जैसे कि ये रिफ्लेक्शन है नदी के ऊपर का, ठीक है। और मैं इसको बढ़ा दूंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा बहुत ज्यादा वाला, ठीक। तो अगर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, मान लो मैं स्क्वायर को करता हूँ 7, तो जैसे एरिया बढ़ गया आपका, ठीक है। इस पाइप को अगर मैं करता हूँ 8, तो देखो जो डेप्थ आ रही थी कैंपिंग वो बढ़ गई आपके पास, ऐसे ये तो ठीक लग रहा है थोड़ा सा, क्लियर।
यहाँ पर एक ऑप्शन भी है रैप पिक्सल अराउंड, जो कॉर्नर के पिक्सल है उनको रैप कर देगा। देखो यहाँ पर जो ब्लैक ब्लैक आ रहा था वो फिट हो जाएगा, उसने वही वाले पिक्सल रिवर्स कर दिया, खत्म हो गया सर आगे। ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं कॉम पे आपके फाइनल पे, ये कुछ हमें ऐसा दिखाई दे रहा है सर। डिस्प्लेसमेंट सब में यूज हो गई है, ये इसी से ग्लिच बनेगा, इसी से स्मोक की हेज बनेगी, पीछे की वो सब इसी से बनेगा। ठीक है, ग्लिच भी आपका इसी से बन जाएगा, बहुत बढ़िया होगा। क्लियर हुआ यहाँ पर? ठीक, अब क्या किया हमने, फिर खोल लेते हैं इसको, वाटर को यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ जाते हैं, एक हम फिश ले आते हैं, डाउनलोड पे चलते हैं, फिश पड़ी होगी वहां पर, डेस्कटॉप पे पड़ेगी, डेस्कटॉप बन जाएगा। हम सही बनाएंगे तभी तो आप सब नहीं करते हैं सही बना। ठीक है, तो अपन चलते हैं और एक फिश ले लेते हैं, ये वाली सही है, इसको यूज करता हूँ, अच्छी लगती है क्योंकि ये सी वाटर की फिश है ना, ध्यान रखना आप दोस्त, अलग अलग फिश होती है, दोनों सीन काम और कर देना बना के, सी वाटर की फिश अलग होती है और आपके नॉर्मल वाटर की फिश अलग होती है। रिपोर्ट कर लिया आप, यहाँ क्लियर स्केल किया, ये आ रही है आपकी फिश। ठीक, थोड़ा सा और छोटा करते हैं इसको, और इसको उठाते हैं अपन, यहाँ रख लेते हैं पोजीशन पर की लगाते हैं और यहाँ तक आते हैं, इसको हम आ देते हैं यहाँ ऐसे, फिर कुछ फिश आपकी ऐसे करने लगी, पकड़े जा रही है तो उठाते हैं हम, लास्ट में रख लेते हैं अब, सही है यस। ठीक है, अब पहला काम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये पाथ दिख रहा है आपका, जैसे पे क्लिक होगा ना तो पाथ दिखने लगेगा आपको, इसको अपन ऊपर ले जाते हैं, फिर यहाँ पे लाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, फिर यहाँ पे लाते हैं, फिर ऊपर ले चलते हैं, फिर यहाँ पे लाते हैं, फिर नीचे ले आते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, फिर ऊपर आ जाते हैं, ऐसे निकालते हैं, तो क्या होगा आपको, फिश को ऐसे ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, राइट। बट अगर देखा जाए टेक्निकली तो ये गलत है, अगर अप जाएगी तो अप डायरेक्शन होना चाहिए, फेस डाउन आएगी तो डाउन डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे फेस को, ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा ऑटो ओरिएंट, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ कर देंगे ओरिएंट अलोंग पाथ, जिसका ओरिएंटेशन है पाथ के अलोंग हो, जैसे आप पाथ के अलोंग करोगे देखो ये फिश को अलग अलग क्वालिटी घूम जाती है, देखिए यहाँ पर इस तरह होगा, इस तरह इसको हम रोटेशन से सीधा कर लेंगे इस डायरेक्शन में, ऐसे आ गया। अब चलाते हैं, देखो नीचे ये ऊपर, नीचे ऊपर, यहाँ पे क्लियर है, यस। ठीक है, यहाँ भी ऐसे चलने लगी, ठीक, यहाँ पे डन। अब क्या करते हैं अपन, इसको सिलेक्ट करते हैं, विकल्प है हमारे पास, यस, विकल्प पोजीशन, अगर हमने इस पर डाल दिया तो क्या हुआ, वही की वही
थोड़ा वो होगी, एक तो इसको करेगा तो समझ में आएगा खुद का। यस ठीक है ठीक है, हिलने लगी थोड़ी ज्यादा ही। देखो ठीक ठीक लग रहा है थोड़ा सा ठीक। प्लस इसके अंदर मोशन लाइट डालेंगे यहाँ से, क्योंकि ये चल रही है, ये चलेगी तो मोशन लाइट आएगा। देखो और ठीक है, देखो निकल काट रही है, इसका भी इसे डबल मोशन लाइट आएगा, उसके अंदर निकल भी हिला था ना उसको, हिलते हुए मोशन लाइट डाला था हमने, थोड़ा ज्यादा दिखेगा हमें इसलिए, इसलिए सिस्टम भी हैंग होने लगा सब खुल के गया बाल होगा जहाँ बना से ठीक। ये आ गया यहाँ तक तो मोशन हटा दो अभी मैं यहाँ पर, अननेसेसरी में टाइम वेस्ट करेगा ये। अब यहाँ पर फिश का एक और कंट्रोल लीक किया, उन्हें डुप्लीकेट बनाया, स्केल छोटा किया, पिन की जगह इसको बंद किया, ये प्रेस किया, एंटर पॉइंट आया, इसको टक लिया हमारे। देखो तो ये फिश आ गई ऐसे, थोड़ा रखते हैं इसको आगे ऐसे, ये देखो आ गया। तो ये दो फिश हो गई ऐसे, आ गया और देखो छोटी है बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो जो आर्क है उसके हिसाब से लगी जर्क मार दी उसने, तो जो आर्क था उसका वो बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा जैसे जर्क मारता हुआ है इसे दूर करने के बाद। तो हम थोड़ा सा पास पे ले आते हैं ऐसे कुछ, अब देखो ठीक है ठीक है। और इसके अंदर दूसरी वाली है यू प्रेस करते, ये आपके पास सारी की जा रही ठीक, सारी की हमने सेलेक्ट कर लिया सर, ये सेलेक्ट कर इसको पास कर देते तो क्या होगा देखो वो तेज निकल जाएगी ना। यस अच्छा है वैसे ही होगा थोड़ा सा चलो अटैक का ठीक है। हाँ क्लियर ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको वापस आते हैं कॉम पे, तो देखो फिश के अंदर भी आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये देखो ठीक है। यस सर, और ये से नहीं देखना है क्योंकि वहां पर लगाई थी आपने, इसलिए यहाँ पर वो अच्छी दिखेगी। वापस करते हैं थोड़ा सा यहाँ तक क्लियर हुआ ठीक है, वापस चलते हैं यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ से चाहिए हमें एक स्क्रू वाक पीएनजी फोटावर पीएनजी का कहना वैसे भी हाँ बिल्कुल कह रहेगा ठंडा दिखा आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। पीएनजी चाहिए तुमको क्वांटिटी है, बट आपको समझ में आ जाएगा कि बनाना क्या चाह रहा हूँ मैं, आप लोग बनाना तो अच्छी क्वालिटी का बनाए। भाई हमें दर्द तो कीमत आएगी।
इसको पन लाते यहाँ पर और यहाँ सेट करने की सेट क्या पे क्या पे ठीक है क्या उस बार तो करें था ना दस दिन को उन्होंने लड़ी क्या दस दिन को अब सेट है ये आ गए यहाँ पर यस सर ठीक अब यहाँ पर आने के बाद ये हमने यहाँ रखा अब आपका काम क्या है छोटा प्रश्न से यहाँ पर आपके पास एक टूल है पपेट पोजीशन इस पे क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करना यहाँ पे क्लिक करना आपके कल से लगा कर क्लास में करेंगे जो ठीक है यहाँ पे लगा दिया यहाँ पे लगा दिया और ठीक यहाँ ठीक है ये तो मेरे पॉइंट लग गए अब देखो इससे फायदा क्या होता है आपके पास यहाँ पर जो आप इसको मूव करोगे तो देखो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई यहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई यहाँ से ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई यहाँ से इसका मूव देखो ठीक है एनिमेशन एनिमेशन इसका बन जाएगा ठीक है यहाँ से ये देखो तो हमें सिर्फ जितना ही चलाना है देखो बाकी तो एनिमेट करना नहीं कुछ ठीक है बॉडी नहीं होगी ना यहाँ पर ये पानी के अंदर तैर रहा है ना बेटा स्विमिंग थोड़ी कर रहा है ऊपर क्या पूरा बॉडी ऐसे सांस जैसी ले रहा है पानी में चल रहा है अब देखो आपको करना क्या है यहाँ पर ना इसको सेट करके यू प्रेस करोगे आप सारी कीज खुल जाएंगी अपने आप बाय डिफॉल्ट की आती इसमें लग के ठीक है तो हम क्या करेंगे पहले वाले पे ये देखो यहाँ पर है इसको है ना थोड़ा सा नीचे रखा ऐसे ठीक और इस वाले को थोड़ा सा इसको भी नीचे आएगा ऐसे रख दिया अब आगे जाते हैं एक दो तीन चार फ्रेम पे गए और इसको मैं वापस नीचे लाया इसको मैं वापस नीचे लाया ठीक है फिर गए एक दो तीन चार फिर इसको आगे ले यहाँ तक देखो दिख रहा है ना निशान कहाँ तक का और फिर इसको आगे ले फिर एक दो तीन गए फिर इसको माता ले गए और इसको भी माता ले गए फिर देखो कुछ ऐसे पैर उसके मुंह बोल रहे ठीक है ये देखो अब क्या किया हमने इसको कहाँ कहाँ की लगी हुई थी देख लेते हैं ये किसके लगी हुई किसके लगी हुई है तो इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया ये आ गए और प्रेस करके थोड़ा सा खींच दिया तो देखो इसको कनेक्शन आ गया ठीक और दोबारा से यहाँ पर आए और तो देखो कुछ ऐसे आ गया है मूवमेंट यस सर ठीक और यही मूवमेंट को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे तो ये वाला सिलेक्ट किया आपने और ये वाला सिलेक्ट किया इसको किया कॉपी और यहाँ पे जाके कर दिया पेस्ट और अगेन कॉपी और अगेन पेस्ट तो ये कुछ ऐसा लुक बन जाएगा आगे यहाँ पर क्लियर हुआ यहाँ तक यस सर ठीक है अब दूसरा काम क्या करना है हमें इसके ऊपर मेन जो मेजर काम है वो इस लेयर को फिर अपन सेलेक्ट करते हैं थोड़ा सा ये वाला
और इसके ऊपर डाल देते हैं विगल पोजीशन, जिससे ये देखो थोड़ा सा ऐसे झूलेगा, तो झूलने का वो कम करते हैं, टाइप करते हैं टेन कह के देखते हैं, टेन देखो ठीक लग रहा है, आ गया, टेन को और कम करते हैं फाइव, ठीक है देखो, राइट यस पोजीशन लगाया आ गया है, और यहाँ थोड़ा सा इसको हम इस तरफ ले आते हैं ऐसे, तो ये कुछ देखो ऐसे बढ़ता भी जा रहा है इधर, ठीक है यहाँ तक है। हाँ एक काम और करना है, सबसे मेन जो है सीन के साथ मैच नहीं हो रहा अभी, अभी लग रहा है ऊपर से रखा हुआ है, ठीक है तो इसको हम पेंट लगाएंगे, टॉर्चर नहीं लगाएंगे, पेंट लगाएंगे, पेंट उठाया हमने इसके ऊपर डाल दिया, आ गया पेंट में, आपके पास यहाँ पर दो कलर है ब्लैक टू और वाइट टू, ब्लैक में एक डार्क कलर यहाँ से लिया मैंने, ये आ गया और वाइट में एक लाइट कलर यहाँ से आ गया, देखो आ गया ये पानी के अंदर बिल्कुल से, ठीक है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे वॉन्ट है ब्लेंड वाला ये कम करना है, हमें कुछ ऐसा करना है, आया अब देखो एनवायरनमेंट में आ गया, मछली पे लगेगा, मछली पे मछली भी दिखता नहीं ना इसलिए पहले नहीं लगाया, अब दिखेगा ठीक, अब मछली नहीं ना लग कर रही है, तो यही वाला सेम उठा के अपन कॉपी करते हैं और फेस पे पेस्ट करते हैं, एक इस वाली पे और एक इस वाली पे, आ गई मछली वाली के अंदर, थोड़ा सा अमाउंट कम करते हैं, लिटिल बिट ऐसा, अब ये देखो दोनों आ रहे पानी के अंदर, यहाँ तक क्लियर हुआ यस, ठीक है और इस मछली को एंकर पॉइंट से थोड़ा सा मैं नीचे भी रख देता हूँ, थोड़ा सा नीचे रख ऐसे कुछ, ये बोल यस वापस आते हैं, आप डिस्प्लेसमेंट तक लगाएगा तो यहाँ पर देखो उसके अंदर डिस्प्लेस भी आ जाएगा अपने आप, ये लिखवाना ना क्लियर हो यस आप ऐसे पढ़ते थोड़ा सा फर्क पड़ेगा इससे, बिल्कुल नहीं तो कौन वहां पर देंगे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा उससे, पढ़ना चाहिए सर मेरे को इससे डर लग रहा है, हटेगा थोड़ी ना इससे बड़े बड़े काम किया, हाँ काटेगा नहीं क्या कुछ नहीं होगा इसका, हो जाए तो हो जाए सरकारी मतलब पढ़ाई तो रहे और कौन अपनी आर एंड कर रहे हैं, हम स्टूडेंट है तो दूर जगह में तो एक तो गैरेंटी है कुछ भी हो हमें क्या मतलब, काम ही तो बना रहे हैं मूवी दिखा रहे देना पड़ता है, देखो ये आ गया आपका यस सर, देखिए आपका क्लियर हुआ ठीक है, ऐसे और भी मछलियां आप तैरा सकते हो उसके अंदर, एक टर्टल तैरा सकते हो अच्छा लगेगा टर्टल में तुम पिंग उसका हिला के थ्रीडी वाला सिस्टम बताया था ना यस सर, ठीक है सेंटर पॉइंट यहाँ रख लेना तो उसका पेन ऐसे करके हिलते रहे पेन जब नेक्स्ट जोड़ लिए हो जाएगा यहाँ तक यस सर, आगे बढ़े यस सर आगे बढ़ते हैं, बनानी है अपन को रेस एक नया लेयर ले लेते हैं उसके ऊपर डाल लेते हैं फ्रैक्टलाइज, फ्रैक्टलाइज में रिवीजन पे क्लिक करते हैं यहाँ तक आते हैं इसको भी थ्री टाइम हम एप्लीट कर लेते हैं, ऐसा आ गया क्लिक करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर बना लेते हैं एक मास लाइक दिस, समझा
तो कुछ इस पे ऐसा आ गया गिरा। यस सर। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है एक रेडियल ब्लर, ये वाला दो है रेडियल ब्लर, क्या मतलब आपको ये वाला लग रहा है नॉर्मल वाला रेडियल ब्लर डिफॉल्ट है, इसको उठा के डालना है आपको इसके ऊपर। आ गया रेडियल ब्लर में आपके पास दो चीजें है यहाँ पर स्पिन और जूम, थोड़ी सब मैं बता रही बता रहा है। यस वही यहाँ पर आते हैं आप जूम कर लेते हैं, जूम आ गया बढ़ाते हैं वो बड़ा, इसको उठा के यहाँ रखते और बढ़ाते रहे थोड़ी सी नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है या भी सिलेक्ट करते हैं दोबारा से पैदल पढ़ाते हैं मास्क का, तो लाइन और खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो गई लाइन, कलर कम आ रहा है तो यहाँ पर जो रेक्टल है आपका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है उसको तो बढ़ाते हैं बड़ा। यस देखा देखो जोर से ऐसा बढ़ा है आपको जिस तरीके से आया, मास्क जो है थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और देखो ऐसे इस मास्क को मैंने यहाँ बढ़ाया ये पड़ेगा, यहाँ बढ़ाया ये पड़ेगा, रेस बढ़ रही है। यस ऐसे अब इस रेस को उठा के हम यहाँ रख लेते हैं और यहाँ पर इसको इनके बीच में रख लेते हैं, तो ये पीछे आ गई, ये देखो आ गई यहाँ पर कुछ ऐसे। यस वापस सेलेक्ट करते हैं इसको घुमाते हैं तो ये रेस को आपकी डायरेक्शन देगा कहाँ चाहिए, देखो ऐसे चाहिए कैसे चाहिए, हमने थोड़ी सी ऐसे रखी डायगनल और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके कर दिया ऐड जिससे ये हो गई ऐसे, ठीक अब देखो ये बन गई ऐसे और इसको उठा के थोड़ा सा करते हैं बड़ा और तो ये ऊपर आएगी, इसको करेंगे तो ये ऊपर आएगी, तो ये आ गई इतनी। वापस आते हैं यहाँ पर ये आ गई, अब प्ले करते हैं एक बार चल जाएगा चलेगा चलेगा कलर मोड का जो ऑप्शन होगा बेटा इसमें चेंज कर देंगे कलर वाला ऑप्शन पिक्चर पिक्चर वाला ऑप्शन होता है, अरे भारी दिया होगा हाँ ये वाला स्क्रीन से थोड़ा थोड़ा तो बहुत ज्यादा माइट ये ठीक, अरे लेकिन वाइट सर तो हाँ पे कर दो क्या हो गया जो प्रेजेंटेशन नहीं देते हमारी निगाह में वो काम नहीं करते, आपकी बात नहीं कर रहे अकेले सबके लिए है यहाँ प्रेजेंटेशन नहीं दिया उसने मतलब कि इसमें काम नहीं करना, समझ गया ना, भगवान मालिक है आपकी नहीं आती ना प्रेजेंटेशन का, टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए फ्रेंड का पूछ रहा है दूसरे की चिंता हो रही है वो सर तू सही कर रहा है टेंशन उसे आए थे आप टेंशन दे सर
फीमेल में देख लिया है, देख लिए थे। हाँ दो ही चलिए आप क्या बात कर दिया किसी को नहीं पूछा मैम की मीटिंग थी। हाँ मैम मैं थोड़ी देर लूंगी तो मीटिंग लंबी हो गई और बैठे हैं उस रूम में टाइम में सबने कहा सब मेल पे भेज दी तो मेल पे देखी देखी नहीं पता नहीं। अच्छा तो मीनाक्षी वाले वैसे हैं तुम मीनाक्षी का सीस पे। हाँ हाँ नकली सोनाक्षी सोनाक्षी। हाँ अच्छी बात है ना क्या काम का ऐसा तेज यार। देखो आप एक गोल गोले में दौड़ोगे दिन भर दौड़ोगे शाम के पहुंचोगे कहां जितना उसका रेडियस होगा उतना ही बस है ना। सीधी दिशा में दौड़ोगे तो कहीं तो पहुंच ही जाओगे ना क्या फायदा है दौड़ने से। आपको मैं मेहनत कर रहा सर बहुत मेहनत कर रहा मैं कोई भी हो जाए मेहनत कर रहा हूँ मैं तो बस। तो अगर मेहनत करने से सब बुरा होता तो जंगल का राजा शेर नहीं गधा होता। सबसे ज्यादा मेहनत वही करता है शेर नहीं होता फिर दिमाग से बस। और एक मुझे किसी ने बात बताई थी शेर क्यों राजा होता है आप लोगों से पूछ रहे कॉमन क्वेश्चन है शेर जो होता है वो क्यों राजा होता है थोड़ा सा सही पहुंच गया पास में है ये ठीक है क्योंकि वो अपने आप को मानता है कि मैं राजा हूं इसलिए वो राजा होता है। बढ़िया लग रहा है देखने में अच्छा लग रहा है ठीक है इतना हो गया यहाँ तक आगे बढ़े इसके कर लेना मैं थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ आप लोग कर लेना तो न्यूज में भी तो ऐसे ही होता है ना सेम सेम बहुत अच्छा बनता है ड्रामा तो रियलिस्टिक लगता है इसको जिसमें बनाया हुआ था मैंने बना रखे बहुत सारे कोई बहुत अच्छे होते हैं सिखाता हूँ मैं बनाना है मछली तैर रही आदमी भी तैर रहा वरना आपको तैरा देंगे हम अगर ये नहीं बना नया चाहिए था ना आपको नया नया बनाया आज हमने आप ये क्या आते हो क्या करना है आपको स्टाइलिंग प्रोसेस बताते हूँ आपको कर लेना आराम से सॉलिड लेना है सॉलिड के ऊपर यहाँ से एक मास्क बनाना स्ट्रिप आ जाएगी फिल्म गेट वाली आपकी तो सीन और चलेगा जैसे फिल्म गेट लगेगा बस ऊपर और नीचे जैसे फिल्म गेट लगेगा और विंग गेट लगेगा ये शॉट और अच्छा होता है ये बंद हो जाएगा वैसे अभी जहां तक मुझे उम्मीद है जा रहा है टाइम भी हो गया आपका तो लाइट दोनों जल चुकी है जल चुकी है ना दोनों जल चुकी है एक साथ लेकर में अब ये बंद हो जाएगा अरे बच गया बच गया बच गया डबल क्लिक करके और इसको करते हैं आप कर सकते हो इसको इन्वर्टेड कर दिया हमने ऐसे और यहाँ पर आए इसको कर दिया थोड़ा सा पैदर जिससे ये बन गया इसका रेडीमेड ठीक है ऑब्जेक्ट किया कम लाइक दिस
फिर उसके बाद अगेन एक और सॉलिड लिया हमने यहाँ पर, अगेन ब्लैक कलर का, और यहाँ पर आए रेक्टेंगल लिया और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऐसे रेक्टेंगल बना, इतना वाइड, इसको कर दिया इन्वर्टेड, बस हो गया पिरामिड लकड़ी सब मूवी वाला। एक नंबर ही लगेगा, कितना लगेगा ये कर, मेरा लग रहा है लैपटॉप आते ही सब वापस छोटे साइज से बनाना बढ़िया बन जाए, कुछ भी लगाओ, कुछ ही बनाओ, इसके अंदर बढ़िया सा आउटपुट बन जाएगा और ये आ जाएगा। इसी का ऐड बना सकते हो आप, पीछे इसको सीन को चला थोड़ा सा, ऐसे चलेगा और थोड़ी देर बाद जैसी मछली आगे पहुंचेगी और ये पीछे वाला सीन ब्लर हो जाएगा और इस पे लिखा आ जाएगा जॉइन स्कूबा डाइविंग इन अंडमान निकोबार ऑन 20% ऑफ लॉग हैव लॉग आइलैंड 20% ऑफ ऐड बन जाएगा। जी हाँ पूछ ली थी कुछ रात को चला गया खत्म इसके आगे नेक्स्ट क्लास में इसको सेव कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में कैसे बनाएंगे सेव नहीं करेंगे, चलो सेव कर लेते हैं। सर क्लास है क्या सर आप सर नहीं मैं फ्री हूँ बताओ क्या नाम है क्या नाम बेटा आपका उसका नाम था नाम था किसी का नाम था किसी का सैफू सैफुद्दीन कौन था नहीं जानते कैसे आदमी आप लोगों ने इतना कीमती समझ लिया उसके लिए धन्यवाद। पूरा बनाया था ये सब शो हो रहा है सिलेक्शन पे शो हो रही है पर कुछ भी विजिबल नहीं है ब्लैक पे शो ये सब बने हुए हाँ सर कहाँ सर दिख रही है भाई तो मैं बोल